तो फ्रेंड जुबान ने गजनवी को कर लिया पूरे अपने हाथों में, बातों बातों मीठी मीठी चिपकी चिपकी बातों से। तो गजनवी लेट आता है तो दुआ अपने रूम में बैठी होती है, तो गजनवी जाके उससे पूछता है, हाँ कहाँ थी तुम? वो कहती, मैं अपने रूम में थी, ताकि आप आ नहीं रहे थे तो मैं अपने रूम में थी, तो मुझे डर रहता है कि आप कहीं रास्ता भटक ना जाए, रास्ता भूल ना जाए। अगर आप रास्ता भूल के घर ना आए तो मैं तो आपका इंतज़ार करती रह जाऊँगी। तो लिहाजा गजनवी आगे से कहता है, तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं जब भी जैसे भी जहाँ से भी फ्री होगा तो मैं फौरी घर आऊँगा, तो इस बात की तुमने टेंशन नहीं लेनी। तो आगे देखते हैं क्या होता है, क्योंकि जो दुआ है उसे काफ़ी ज़्यादा डर है कि गजनवी की जो है मशूकें भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, और पैसे वाला है, इसके पीछे वैसे भी लड़कियाँ चिपकी रहती हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि गजनवी मेरे हाथों से निकल जाए, क्योंकि उसका कोई और ठिकाना तो है नहीं। तो वो उससे बार बार इस बात का अहद लेती रहती है कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे, तुम लेट आ रहे हो, तुम कहाँ पे हो, तुम क्या कर रहे हो। तो कुछ ऐसा सीन चल रहा है, बहरहाल फिर भी चिपकी चुपकी जैसी भी बातें कर रही है। तो दुआ ने गजनवी को पूरे तौर पे अपने कंट्रोल में किया हुआ है। ड्रामे का नाम जानसार और ग्यारपल जियो के ऊपर ऑन एयर है, ठीक है, तो आपने वहाँ पे जाके इसको देख भी लेना, और साथ में मेरे चैनल को ऑन मतलब पूरी वीडियो देखनी है और सब्सक्राइब भी कर देना।